हाँ दोस्तों, कैसे हैं? निफ्टी पे आज वो आपको बड़ा देखने को मिलेगा। पूरा दिन वैसा ही रहा जैसा शॉपी दिन होना चाहिए। आपको जैसे मैंने बताया था कि ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके घुमाते रहेगा, तो मोस्ट प्रोबेबली इसने वैसे ही घुमाते रहा। और आप देखेंगे जो मैंने आपको इस वीडियो में, अगर आप मेरे वीडियो को देखते होंगे तो आप ये प्रीवियस वीडियो में देखे होंगे, तो मैंने ये ओपिनियन रखा था ये कैसा रहेगा, मार्केट कैसा दिखाएगा आपको यहाँ पे। तो आप यहाँ पे जा करके देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि सेकेंड हाफ दोस्तों कैसे में हैं? जरूर से जरूर यहाँ पे तेजी लेगा, और वैसा ही ये वैसा दिखते हुए देखने को मिला। अब आगे क्या होगा, अब तो नेक्स्ट वीक चालू होने वाला है, तो आज हम देखेंगे जहाँ ये सेकेंड हाफ में अच्छा खासा पैटर्न लेते हुए सेकेंड हाफ में इसने तेजी दिखाई है, और सेकेंड हाफ में अच्छी खासी रिकवरी भी दिखाई है। ये होना ही था लगभग। और आज देखेंगे तो जो क्लोजिंग दी है इसने 0.52% से ऊपर दिया है, 55 पॉइंट से ऊपर दिया है, और एडवांसेस 33 है, डिक्लाइन 17 है। नेक्स्ट वीक मंडे को मार्केट बूम में रहेगा, अप ही रहेगा। तो इसके लिए आप अगर डायरेक्ट किसी को जानना चाहिए जान लीजिए, मंडे मार्केट अप है। आपको सिंपल से एक वर्ड में बता देता हूँ, और वो 823, 800 823 के लेवल को टच करने की कोशिश, 850 के लेवल तक जाने की कोशिश कर रही है। आज देखें तो इंफ्राटेल, यस बैंक में आ गया, मूवमेंट चालू होना चालू हो गया है। इसका 9 तारीख को बोर्ड ऑफ मीटिंग है, उसका चेयरमैन का राणा कपूर की जगह जो कौन सा फाइनल डिक्लेयर होंगे चेयरमैन, उसका डिक्लेरेशन आएगा। वेदांता, जैसे कल मैंने आपको बोला था ऑटो सेक्टर, मेटल सेक्टर में बहुत अच्छा खासा कल गिरावट था, तो आज वेदांता में आपको देखने आया रिकवरी आया। टाटा मोटर्स में आप पोजिशन बना सकते हैं, क्योंकि टाटा मोटर्स में ये न्यूज आया है कि जगुआर के बिजनेस में सेल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। यही एक सबसे बड़ा कंसर्न था, ऐसा नहीं कि एक दो दिन में ये जंप मार जाएगा, लेकिन अब ये कंसोलिडेट होगा अपने पैटर्न पे। और अब यहाँ से आपको टाटा मोटर्स में अब आपको 5-5%, 10-10% करके अपनी बाइंग चालू कर देनी चाहिए। ये तुरंत को ग्रोथ, अभी ऐसा नहीं कि कोई भाग जाने वाला शेयर है, लेकिन हो सकता है कि जब मार्च में रिजल्ट आए और पॉजिटिव रिजल्ट आए, तो यहाँ से आपको 220, 225 तक, 250 तक का भी लेवल आपको ये टाटा मोटर्स दिखा सकता है। अगर वहाँ पे जगुआर का बिजनेस जैसे अभी बात चल रही है सुधरा है और उसमें ग्रोथ आई, तो यहाँ से आपको अच्छा खासा आप भी दिखा सकता है। और नीचे ये 165 एक बार वापस जाएगा, तो आपको दोनों चीज़ समझ के रखना है, थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करना है टाटा मोटर्स में। भारतीय एयरटेल 2.71% के साथ अब था, एस सी एल टेक, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, हीरो मोटर कॉर्प और इंडसलैंड बैंक ये गिरावट के साथ बंद हुए हैं। आज देखेंगे तो FII ने 157 करोड़ की बिकवाली की है, और DII ने 240 करोड़ की खरीदारी की है। आज के मार्केट में अगर मैं इंडेक्स की बात करूं तो सारे इंडेक्स ग्रीन में बंद हुए हैं और विक्स निगेटिव में बंद हुआ है, तो चूंकि ये लोग गिर रहा है तो मार्केट अप जाएगा। और निफ्टी आईटी को छोड़ दें तो बाकी सारी सेक्टर में खरीदारी हुई है, और निफ्टी मेटल और आप निफ्टी ऑटो देखेंगे दोनों में आज अच्छा था, और लास्ट मोमेंट में निफ्टी मेटल में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। और निफ्टी मेटल में आप देखेंगे तो वेदांता कल का जो लूजर था, आज के फिर से यहाँ पे सेकंड गेनर 3% के साथ गेनर में दिख रहा है आपको। जिंदल स्टील जो गिरा हुआ था CLSA के रिपोर्ट के बाद, आज ये वापस आपको उठता हुआ दिख रहा है। JSW स्टील, टाटा स्टील, टाटा स्टील में एक लेवल तो गया, लेकिन वो 493 रुपये 15 पैसे के लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। देखिए ये कैसा परफॉर्म करता है, अगर ये 500 के लेवल को अब यहाँ पे 492.70 पे बना करके इसके लास्ट में वापस यहाँ पे क्लोज दिखाया है और अपने हाई के पास ही क्लोज दिखाया है, अगर ये 500 लेवल किसी तरह से क्रॉस करता है तो वापस अप ट्रेंड में चला जाएगा, और नहीं तो ये वापस लो ट्रेंड में रहेगा। तो टाटा स्टील में अभी उतनी कन्विंसिंग बाइंग नहीं समझ में आ रही है जितनी कि बाकी वेदांता और JSW स्टील में समझ में आ रहा है, सेल में आ रहा है, तो ये सब हमको ज़्यादा बाइंग समझ में आ रहा है कंपेयर टू इसमें। और आप देखेंगे जो गिरा है, मोयल गिरा है, हिंदुस्तान कॉपर गिरा है, और अपाला पोलो गिरा है, ये सब गिरावट के साथ बंद हुए हैं। और सबसे अच्छा जिंदल स्टील 6.75 रुपीज़ के साथ और 4.61% के साथ बढ़कर के बंद हुआ है। तो आज ओवरऑल में निफ्टी मेटल ने 41 पॉइंट का गेन बताया है। वहीं निफ्टी ऑटो सेक्टर में देख लें, जो कल हमने आपको बताया था कि इसमें भी गेन देखने को मिलेगा, तो वापस आपको गेन निफ्टी ऑटो सेक्टर में भी देखने को मिल रहा है। और अगर देखें तो टोटल 42 पॉइंट के साथ गेनर है, उसमें टाटा मोटर्स
5 पॉइंट के साथ अच्छा खासा गेनर रहा दिखाया गया है इसमें। टाटा मोटर्स जैसे मैंने बताया जगुआर के बिजनेस में रिकवरी आने की संभावना है, तो ये टाटा मोटर डीवीआर अब मेरे पोर्टफोलियो के लिए शायद ये बाइंग पोजीशन में जा सकता है। अपोलो टायर्स गेनर में, महिंद्रा जो पिटाई हुई उसके बाद गेन में आ गया। बजाज ऑटो, एक्साइड इंडस्ट्री, अमर राजा, मारुति में जैसा कल आपको बताया था मैंने कि कल ये आपको ऊपर की ओर एक बार दिखा सकता है तो रिकवरी दिखाया है। बॉस और टीवीएस मोटर, ये आयसर मोटर 20,000 के लेवल को तोड़ नहीं रहा है, अपने लो को 20,001 पहले भी बनाया था, आज वापस टच कर लिया है, पहले भी एक बार टच किया था, ये 20,000 के लेवल को तोड़ नहीं रहा और नहीं तोड़ेगा ऐसा मेरा फील है। 19,500 के नीचे नहीं जाएगा ये, और आपको 23,000 मोस्ट वैली बहुत जल्दी आपको दिखाने का दम रखता है। ये आपको डरा रहा है, मुझे नहीं लग रहा है 20,000 अभी तोड़ेगा, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि ये तोड़ेगा ही नहीं, एक बार ये हो सकता है ये 16,000 आपको दिखाए, जैसा सिम्टम इसका है बार बार ये दूसरी बार 20,000 को टच कर रहा है, तो ये दूसरा बार इसके फॉर्म में देखेंगे तो दूसरा बार लो बॉटम बना रहा है, तो ठीक है बनाने दीजिए, लग रहा है कि इसको बॉटम बनाने का शौक है, और एक बार ये जो अपने हाई 32,000 का उसका 50% 16,000 वहाँ पे एक बार जाकर के दिखाएगा वो, ऐसा फील हो रहा है, बट अभी नहीं दिखाएगा। और हीरो मोटर कॉर्प, MRF, अशोक लेलैंड में थोड़ी कमजोरी है, और ऑटो सेक्टर में रिकवरी आने के बावजूद अशोक लेलैंड में रिकवरी नहीं आ रही है, तो अशोक लेलैंड हो सकता है कि आपको एक बार आपको नीचे की ओर वापस दिखा सकता है, तो अशोक लेलैंड में थोड़ी सी कमजोरी है और अशोक लेलैंड में कमजोरी दिखा सकता है। मदर संसुमी अच्छा स्क्रिप्ट है और मारुति को सप्लाई करती है, मदर सुनी में शायद आप बाइंग करें तो खराब तो नहीं रहेगा, लॉन्ग टर्म पोजीशन से अच्छा रहेगा, शॉर्ट टर्म के लिए मारुति में भी बाइंग कर सकते हैं, टाटा मोटर्स में भी बाइंग कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए 180-185 दिखा सकता है ये, तो ये सब बाइंग पोजीशन थी। अक्रूड गिर रहा है तो शायद अपोलो टायर वगैरह में भी आपको एक्साइड में भी शायद बाइंग देखने को मिले, लेकिन अब आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए तो जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखें। ऑटो सेक्टर में एडवांस 11 थे, डिक्लाइन 5 थे, ये ऑटो सेक्टर में था। एक बार बैंक को डिस्कस कर लें, निफ्टी बैंक में, तो बैंक में देखेंगे 235 पॉइंट का अप दिखाया है और 0.87 से क्लोजिंग दिया, लेकिन ये जो अप दिखाया है लास्ट मोमेंट में आकर के बहुत सारा हाई बनाया 274 का, लो था इसका ओपन हुआ 26,999 पे, लो बनाया 26,926 का, हाई बनाया 27,274 का, और लास्ट ट्रेडिंग प्राइस जो क्लोजिंग हुआ 27,195 की, लेकिन लास्ट मोमेंट में सभी बाइंग में सभी और 11 एडवांसेस से सिर्फ एक डिक्लाइन है इंडसलैंड में। लास्ट मोमेंट में बैंकों में अच्छी खासी बाइंग आई, PNB 81 पे पहुंच गया, मैंने आपको बोला था 72-74 पे जब था तब ये आपको बताया था कि आप इसको एक्यूमलेट कीजिए, बहुत ही अच्छा आगे जा करके काम देगा। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा को एक्यूमलेट कीजिए, ये 145 से गिराया गया था इसको, ये न्यूज़ समझ के कि ये जब बनेंगे विजय लोक बैंक मर्जर होगी तो NPA ज़्यादा है तो ये ज़्यादा डूबेगा, अब उसी न्यूज़ को उल्टा चला दिया जा रहा है कि अब ये सबसे बड़ी बैंक हो जाएगी SBI के बाद। कोई बात नहीं, आप इसको बाय कीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा का 145 का टारगेट आपको 3 महीने के अंदर देखने को मिल सकता है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको बाइंग करनी चाहिए। SBI 340 के लिए अगर आपको चाहिए तो शॉर्ट टर्म के लिए SBI को भी बाय कर सकते हैं। ICICI बैंक तो एक अच्छा सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर बैंक सेक्टर में, कोटक महिंद्रा तो सबको नॉन है, बहुत अच्छी बैंक है, HDFC बैंक नॉन है, एसेट फिगर के साथ नॉन है, तो बैंकिंग सेक्टर में अच्छी खासी रिकवरी दिखाई दे रही है, तो आपको ये मंडे को ये कंटिन्यू बाइंग ही रहेगा। मैं जैसा बोला था सेकेंड हाफ में रहेगा, तो मंडे को पूरा डे रहेगा, मंडे को फुल डे आपको बाइंग रहेगा, और ट्यूसडे को मंडे के कैंडल बनने से ट्यूसडे का कैंडल कैसा बनता है उस पर डिपेंड करता है कि मंडे को क्या रहेगा, ट्यूसडे को क्या रहेगा, तो मंडे को आप बाइंग कीजिए, एंजॉय कीजिए, और मेरे अंदाज से पूरा वीक आपका जो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली अपर साइड में ही क्लोजिंग देगा, मंडे को जो क्लोजिंग देना चाहिए अपर साइड में ही जाके क्लोज देनी चाहिए। अगर मैं इस वीक की भी बात करूँ तो आप इस वीक भी देखेंगे तो 10,727 का जो लो, 10,669 का लो बनाया था, यहाँ पे 629 का लो बनाया, और जो यहाँ की क्लोजिंग हुई थी 10,859 की, और यहाँ पे 10,727 थोड़ा सा लो जा करके बनाया है। तो नेक्स्ट वीक जो निफ्टी दिखाएगा आपको,
और नेक्स्ट वीक का जो रेंज रहेगा मोस्ट निफ्टी का, वो आपको निफ्टी 10,941 का हाई दिखा सकता है, वापस 950-960 के उसको रेजिस्टेंस है, और 10,693 कर लो, 10,588 कर लो, तो 10,600 से 10,900 के बीच में आपको 950, 10,600 से 950 के बीच में नेक्स्ट वीक निफ्टी पूरा घूमेगा, पहले अप जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर अप जाएगा, फिर नीचे आएगा, 10,600 से 10,950 का रेंज रहेगा आपका निफ्टी का नेक्स्ट वीक का। पहले हाफ में वो अप दिखाएगा 2 दिन तक, फिर थोड़ा डाउन जाएगा, फिर एक बार आप दिखाएगा 3रे दिन, फिर 2 दिन डाउन दिखाएगा, ऐसा करके जाएगा। तो कैंडल पैटर्न से ज्यादा समझ में आता है जब बनता है तब। अभी से मुझे ऐसा फील हो रहा है मंडे को अप रहना चाहिए, अगर मंडे एक साथ उसने 850 क्रॉस कर दिया तो ट्यूसडे को फॉल होगा, ऐसा होगा नहीं। मंडे ट्यूसडे मोस्ट प्रोबेबली आपका 2 दिन प्लस होना चाहिए, और उसके बाद से आपका वेडनेसडे थर्सडे, वेडनेसडे न्यूट्रल होना चाहिए, या थर्सडे न्यूट्रल होना चाहिए, वेडनेसडे फॉल करेगा तो थर्सडे न्यूट्रल होगा, और ऐसे करके 10,600 से 10,950, पहले 10,950 दिखाने की कोशिश करेगा वो, और उसके बाद 10,600 दिखाने की कोशिश करेगा, आप ऐसा समझ ले। तो निफ्टी आपको 10,600 से 950 के बीच में आपको ट्रेवल होते दिखाएगा, मंडे ट्यूसडे मार्केट में अप रहेगा, ऐसा फील होता है मार्केट से देख के। और अगर मैं इसी को जाकर के अगर मैं आपको इंडेक्स पे देखो, निफ्टी के इंडेक्स पे जाके देखो क्या बता रहा है, तो एट द मनी 10,727 है, तो 10,700 के जा करके अगर एट द मनी देखें तो वही चीज बता रहा है जो मैं आपको बता रहा था। अब क्या हो रहा है, पुट साइड में शॉर्टिंग कर रहे हैं, पोजीशन बाइंग कर रहे हैं, सपोर्ट बना रहे हैं और बाय कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, और आपको 10,700 पे 27 लाख का भी सबसे ज्यादा, और 10,500 पे 40 लाख का, तो 10,700 पे उसके बाद सीधा 27 लाख का ओपन, आज के डेट में 3 लाख का एडिशन हुआ है। अब इनका ये मानना है कि अब 10,700 भी इस वीक तो नहीं टूटेगा, और ऊपर की ओर अनवाइंडिंग हो रही है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, 800 800 इस पे अनवाइंड होकर के प्रॉफिट बुकिंग करके ये नीचे की ओर शॉर्ट मार रहा है। पर जब कॉल साइड में जाके देखे 10,700 पे, तो कॉल साइड में 2,67,000 का एडिशन आज हुआ है, और 12,12,000 का क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट हुआ है, और वहां पे बाइंग हो रही है, कॉल राइटिंग हो रही है, शॉर्ट नहीं हो रहा, कॉल राइट किया जा रहा है इसको। और आप देखेंगे तो ऊपर तरफ जो पोजीशन बनी है ना, बहुत माइन्यूट पोजीशन बन रही है, मतलब ऊपर तरफ हो सकता है ये 11,200 तक, तो इसको इसको जो अड़चन नहीं, यहाँ पे 11,000 पे 38,90,000 का ओपन इंटरेस्ट ओपन है, तो यहाँ पे एक तकलीफ आएगी, और अगर ये क्रॉस करता है तो 11,200 तक आने में इसको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जो अभी पोजिशन बन रहा है वो 11,100 पे और 11,200 पे एडिशन हो रहा है, पहला 10,900 पे हो रहा है, उसके बाद सीधा 11,100 पे हो रहा है, और 11,200 पे 1,37,000 से, और 11,300 पे 7,12,000 से एडिशन हो रहा है। मतलब मार्केट इस बार लग रहा है 11,300 तक जाने की कोशिश में आपको करके दिखा सकता है, और 11,300 तक के पुट में अनवाइंडिंग दिख रहा है, 11,850 में यहाँ पे शॉर्टिंग हो रहा है, शॉर्ट कर रहे हैं, 11,850 को भी एडवांस में शॉर्ट किया जा रहा है, 11,750 को शॉर्ट किया जा रहा है, तो ये दिखा रहा है कि मार्केट आपको 11,900 की ओर जाने के लिए अग्रसर है, और 11,900 पे आप देखेंगे 1,28,000 का पोजीशन बना है। तो आपको जैसा बताया कि निफ्टी 11,600 से 11,900 के बीच में आपको नेक्स्ट वीक में दिखेगा, तो वैसा ही यहाँ पे भी दिख रहा है। नेक्स्ट वीक में पहले तो आपको पॉजिटिव रहेगा, कॉल साइड में रहेगा, तो अगर कोई भी 11,700 एट द मनी या 11,750 एक ऊपर एट द मनी 192 में मिल रहा है आपको, अगर बाइंग करते हैं तो आपको अच्छा खासा फायदा देखने को मिल सकता है जब ये 11,900 की ओर जाएगा। तो एट द मनी 11,700 222 में मिल रहा है, और 11,750 192 में मिल रहा है, इससे बहुत से बहुत ऊपर 164 में मिल रहा है 11,800, इससे ऊपर आपको बाइंग करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पोजीशन ऊपर बाय करते हैं फंसते हैं, 75 का लॉट होता है, तो आपको 3 ऑप्शन है जो आप बाय करना चाहिए, 11,700, 11,750, 11,800। 11,700 मिल रहा है 222 में, 11,750 मिल रहा है 192 में, और 10,800 मिल रहा है 164 में। ये पेपर ट्रेडिंग के लिए, सिर्फ पेपर ट्रेडिंग के लिए, कॉल साइड में बाई करने हैं, कॉल साइड में पोजिशन बनानी है, ये पुट साइड है, पुट साइड में पोजिशन नहीं बनानी है, पुट साइड में बनानी है तो आपको शॉर्ट करना है, वो ऑप्शन इसलिए नहीं कि फ्यूचर ब्लॉक हो जाएगा आपका,
फ्यूचर अमाउंट ब्लॉक होता है। तो हम आपको उतना बड़ा रिस्क नहीं लेने को बोल रहे हैं, आप कॉल साइड में आप यहाँ चाहें तो जा सकते हो। 11,850 में देखेंगे तो निगेटिव अनवाइंडिंग भी हो रही है, प्रॉफिट लेकर के निकल रहे हैं, तो कोई बात नहीं निकलने दीजिए। तो मोस्ट वैल्यू आपका ऊपर साइड देखेंगे तो थोड़ा एडिशन नहीं हो रहा है, तो फ्लिप फ्लो आपको लग रहा है। एक बार 11,200 इस बार ज़्यादा 11 ऊपर की ओर ज़्यादा जाने के लिए अग्रसर दिख रहा है। चलिए मार्केट रात 11,300 पे भी पोजीशन बन रही है, अच्छी बात है। 11,500 में अनवाइंडिंग हुआ है और 36 लाख का ओपन इंटरेस्ट वहाँ पे भी है। 33 लाख का ओपन इंटरेस्ट 11,200 पे है, 38 लाख का 11,000 पे है। इस बार लगता है 11,200 11,300 एक बार आपको टेस्ट तो जरूर करा देगा ये निफ्टी। अगर मैं मार दूसरे इंडिसेस को देख लूँ, डॉ वगैरह क्या चल रहा है, तो डॉ वगैरह देख रहे हैं 400 पॉइंट के, यहाँ से डॉ और निफ्टी 45 पॉइंट के साथ दिखा रहा है। तो आपकी भी जो क्लोजिंग हुई यहाँ पे, अगर हम बात करें कि जो यहाँ पे क्लोजिंग हुई है 10,727, तो यहाँ से 70 पॉइंट और ऐड हो जाएगा तो 10,797, तो 10,800 तक आपका 10,775-780 तक मंडे को आपको देखने को मिल सकता है। मंडे को यही पोजीशन रहेगा, यहाँ से 60 आप ऐड कर लीजिए, 60 से 70 पॉइंट ऐड कर लीजिए, यहाँ से 100 पॉइंट भी ऐड कर सकते, 100 पॉइंट मान लीजिए तो 827 तक आपको रहेगा। 850 क्रॉस नहीं करना चाहिए मंडे को, और अगर बहुत बुली से एक साथ क्रॉस ही करता है तो फिर ठीक है, अच्छी बात है, और ट्यूजडे को और बुलिस हो जाएगा वो, लेकिन अभी बुलिस पैटर्न में है। अगर मैं इसको डेली चार्ट पे देखूं तो आप डेली चार्ट पे आप देखेंगे अप साइड में अच्छा खासा बॉटम मैंने ऊपर हेडर तो हैमर जैसा पैटर्न बना हुआ है। डेली बेसिस पे देखूं तो एक अच्छा पैटर्न है, ये बुलिस का सिग्नल है, हैमर पैटर्न है। तो यहाँ से एक अप ट्रेंड तो लेगा, छोटा लेगा बड़ा लेगा, ले करके 50 पॉइंट का स्टे कर जाएगा, ये एक देखने वाली चीज़ होगी। और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि वो ऐसा पैटर्न बनाए या ऐसा पैटर्न बनाए जहाँ पे आपको 10,815 पे दिखाए हाई का दिखा करके, वो मंडे के दिन ये पैटर्न पे काम कर सकता है, वो 10,815 का हाई बना सकता है, 10,805 पे क्लोज दे सकता है। तो 10,850 से लेकर के आपका जो ये क्लोजिंग हुआ है 10,727, तो 10 यही रेंज में रहेगा, 10,725 नीचे और 10,850 ऊपर, 100 पॉइंट के दायरे में आपको मंडे को मार्केट देखने को मिल सकता है। वीक का आपको पूरा बता ही चुका हूँ, पूरा वीक का क्या रहेगा पैटर्न, पूरा वीक का पैटर्न ऑलरेडी आपको बता दिया गया है कि पूरा वीक 10,950 से लेके 10,600 से रेंज में रहेगा, 10,600 से 10,950 ये रेंज में पूरा वीक रहेगा निफ्टी 50। उसी तरह मैं एक बार आइसर पे एक पोजीशन बता देना चाहता हूँ, लोगों को आइसर पे बहुत डर हो रहा है, बहुत सारा मैसेज आ रहा है कि आइसर से एग्जिट करें क्या। कल के डेट में आप आइसर में देखेंगे तो क्या हो रहा था कि कम कॉल राइटिंग हो रही थी, आज के डेट में ना 19,500 पे भी राइटिंग हो गई, 20,000 पे भी राइटिंग हो रही है। इसका मतलब है अब 20,500 पे शिफ्ट हो रहे हैं, इसका ये मतलब है कि यहाँ पे लोग मान रहे हैं 20,000 नहीं तोड़ेगा, ये 20 के ऊपर जाएगा। यहाँ पे आप देखिए आज भी 19,500 पे फर्दर एडिशन हुआ है, अब 20,000 पे 925 का क्यूमुलेटिव 13,000 ओपन का कॉल राइटिंग हो रहा है 20,000 पे एट द मनी पे। और इधर देखें तो 400 पॉइंट का एडिशन हो रहा है और सिर्फ छोटा सा पॉइंट एडिशन हो रहा है और राइट हुआ है, यहाँ पे भी निगेटिव मार्जिन है। तो जो हमें दिख रहा है कि आपको 20,000 से नीचे नहीं जाना चाहिए आइसर मोटर में, और आपको 23,000 का भाव आपको देखने को बहुत जल्दी मिल जाएगा। अभी भी आप देखेंगे अभी भी 21,000 का भाव 500 नहीं पहुंचा है, अगर जब तक ये 500 नहीं पहुंचेगा, 500 के आसपास ही आपको लेना है, 500 पॉइंट में ही इसको लेने में फ़ायदा रहता है। तो 21,000 का अभी भी या 20,500 अगर आपको 500 पॉइंट तक मिलता है तो 500 मिलता है तो इसको भी बाइंग पोजिशन पर रख सकते हैं। किसी कारण से ये 19,500 तोड़ता है, कोई भी कारण हो, तो फिर अपने पोजीशन को आप एग्जिट कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद वो 16,000 जाने में टाइम नहीं लगाएगा। लेकिन अभी मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है, तो मेरा ये मानना है कि वो 20,000 ही नहीं तोड़ने वाला है और मंडे आपको अच्छा खासा गेन के साथ या कमिंग वीक में आपको यहाँ पे 23,000 तक आपको देखने को मिल सकता है आइसर मोटर में।
डायसन मोटर में आप घबराए नहीं, पोजीशन बनाए हैं, बना के रखिए, कोई इशू नहीं है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 10 जनवरी की बात करें, आज 27,195 पे है। सारे बैंक निफ्टी अपर साइड में क्लोजिंग हुए हैं। और बैंक निफ्टी पे देखिए जस्ट उल्टा पोजीशन बन रहा है, पुट की ओर शॉर्टिंग कर रहे हैं, पुट में शॉर्ट करना चालू कर दिए और कॉल में बाई कर रहे हैं। एट द मनी 27,100 की बात करें, 27,100 पे देखेंगे तो यहाँ पे अनवाइंड हो रहा है और ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है। प्रॉफिट बुकिंग करके लोग ऊपर की ओर शिफ्ट कर रहे हैं और 27,500, 27,600, 27,700 पे पोजीशन बना रहे हैं। 27,400 से लेकर 27,700 तक पे पोजीशन बना रहे हैं, लेकिन 27,500 सबसे ज़्यादा इसका रेसिस्टेंस है। सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 7,47,000 से बना हुआ है 27,500 पे। बैंक निफ्टी भी नेक्स्ट वीक पॉजिटिव देखने को मिलेगा आपको, मंडे तो पॉजिटिव है ही, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी आपको दोनों मंडे को पॉजिटिव देखने को मिलेगा। वहीं पे कॉल राइटिंग देखें तो 28,000 पे भी कॉल राइटिंग हो रहा है और सबसे ज़्यादा 27,200 पे कॉल राइटिंग हो रहा है और 27,300 पे हो रहा है। तो आप 27,200 तो क्रॉस करना ही करना है इसको, 27,200 पे बहुत बड़ा सपोर्ट इसको मिल गया। अभी ये चल रहा है 27,195, ऑलरेडी 27,200 पे कॉल राइटिंग चालू हो गया। इनफैक्ट 27,300 भी कॉल राइटिंग चालू है और 56,000 के वॉल्यूम के साथ चालू है। तो 27,200 पे ही सपोर्ट अभी से बताने लगा इसको। और 3,00,000 के साथ ओपन इंटरेस्ट है, 27,000 पे तो 7,13,000 का ओपन इंटरेस्ट है। मेरे नजर से 27,200 ही आपको थोड़ा सा अभी जो क्रॉस करेगा, ये 200 क्रॉस कर लेता तो और अच्छी बात थी, 250 भी गया था। तो मतलब 27,000 से लेकर के 27,200 से लेकर 27,500 के बीच में भी रेंज बन गया है। और नेक्स्ट वीक आपको इसी रेंज में, आपको नेक्स्ट वीक जो रहेगा मोस्ट प्रोबेबली आपको हो सकता है कि आपको नीचे ऊपर की ओर 27,500 और नीचे की ओर 26,555, ये रेंज में आपको निफ्टी नेक्स्ट वीक दिखाई सकता है। 26,500 से 27,500 ये रेंज में नेक्स्ट वीक में पूरा बैंक आपको निफ्टी बैंक ये रेंज में आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे वीक में जो बना है इंडिसिजिव टाइप का डिसीजन बना है और यहाँ पे थोड़ा आप लेकर के फिर नीचे की ओर इसका एक सपोर्ट भी है यहाँ पे 26,714 को। तो 27,000 पे अच्छा खासा सपोर्ट आपने देख ही लिए, ठीक है, कोई बात नहीं है। डेली बेसिस पे देखें तो आज क्या किया है इसने, आज देखेंगे तो कुछ नहीं किया है इसको, लास्ट डे को कवर किया है, लास्ट डे को जो हुआ था उसी को खाली कवर करते हुए आज थोड़ा पॉजिटिव एंगल में क्लोजिंग दिया है। लास्ट डे की जो क्लोजिंग थी 26,959 पे थी, आज 27,195 पे क्लोज, 27,200 पे। लास्ट डे की जो क्लोजिंग थी यहाँ पे 26,959, वहीं पे 26 थोड़ा सा पॉइंट अप होकर के खुला, फिर नीचे गया और फिर ऊपर लिया, 271 का हाई बनाया और वैसा ट्रेंड में चलते रहा। मंडे को जो चांस है, मंडे को आपको देखने को मिल सकता है ऊपर में 27,300 तक का भाव आपको देखने को मिल सकता है ऊपर की ओर आपको मंडे को, और नीचे 27,000 का भाव है तो 27,350 तक ऊपर आपको मंडे को देखने को मिल सकता है या 400 भी टच कर सकता है मंडे को। बस निफ्टी और बैंक निफ्टी पे एक छोटा सा यही व्यू था, पॉजिटिव व्यू है, बाइंग व्यू है, निफ्टी बैंक निफ्टी आइसर मोटर वेदांता पे बाइंग पोजीशन रखी है, टाटा मोटर्स पे बाइंग बना सकते हैं आप, आइसर मोटर पे बाइंग बना सकते हैं आप, चाहें तो बैंक ऑफ बड़ौदा पे बाइंग बना सकते हैं, ICICI बैंक पे बाइंग बना सकते हैं, SBI पे बाइंग बना सकते हैं, ये सब हैं जहाँ पे आपको अच्छा खासा पोजीशन बनाते हैं तो 2 से 3 महीने में आपको अच्छा 20 से 25% का रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। यस बैंक में आपका पोजीशन होगा ही होगा, मैं हर समय बोला था यस बैंक में पोजीशन बोर्ड ऑफ मीटिंग है वहाँ तक आपको बनाना चाहिए। यस बैंक में अगर पोजीशन होगा तो आप फायदे में होंगे, नहीं भी हैं तो आपको 190 या 200 का कॉल लेके बैठना चाहिए यस बैंक का, आपको इस महीने में आपको फायदा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बहुत अच्छा पोजीशन लेके बना के बैठिए, 200 का कॉल जरूर, 190 का कॉल जरूर यस बैंक में आपका होना चाहिए। यस बैंक का अगर देखेंगे, यस बैंक का कॉल अगर आप 190 का लेते हैं ट्राई कीजिए, ऑलरेडी ये चल रहा है
एट द मनी पे ही है, 190 पे ही है, 190 है तो 185, 190 का देखेंगे तो आपको ये 1470 पे चल रहा है, 195 का ले लीजिए या 200 का मैक्सिमम लीजिए, 200 से ऊपर मत जाइए। तो 200 का भी लेते हैं तो 10 रुपया 50 पैसे पे चल रहा है, लॉट साइज इसका 1750 का है। आप देखिए 6 रुपया 75 पैसे का था लो, हाई 1055 का बनाया और हाई पे ही जाके क्लोज दिया है, और अभी भी 7,98,000 से क्वांटिटी से 200 पे यस बैंक पे बाइंग मांग रहे हैं, डबल क्वांटिटी की बाइंग है। ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 3.14% है, आईबी 68% वोलेटिलिटी चांसेस है इसमें अचीव होने का। तो यस बैंक में पोजीशन आपकी होनी चाहिए, चाहे डिलीवरी में हो, आप छोटी क्वांटिटी 50-100 क्वांटिटी की डिलीवरी में लेके मार्जिन में डिलीवरी लेकर ले सकते हैं, आपको पोजीशन होगी तो अच्छा रहेगा। इन सबों पे आप चाहें तो सारे पे पोजीशन बनाए रखें, लेकिन ये सारे एजुकेशन पर्पज से आपको कोई भी पोजीशन बनानी हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही बनाएंगे। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है तो एक अगर बैंक निफ्टी की बात है तो बैंक निफ्टी पे अगर हम इसको एक बार बैंक निफ्टी भी देख ले 10 तारीख का, तो हमको क्या करना चाहिए, तो आप देखेंगे 27,100 एट द मनी है, 27,100 तो 27,200 का अगर हम कॉल लेते हैं तो हमको 222 रुपये में मिल रहा है। तो 27,200 का कॉल मतलब कि 20 का लॉट होता है, 4,000 का इन्वेस्टमेंट है, आपको लेके रखना चाहिए। मेरे अंदर 27,100 का बेहतर होगा, लेकिन 27,200 का भी ले लीजिए, आपको इसको अपने पोर्टफोलियो में 200 का ये आपको आराम से यहाँ से 100 पॉइंट प्लस ही दिखाएगा, 50-60% रिटर्न आपको 2 दिन के अंदर दिखा देगा। तो 27,200 के कॉल पे बैंक निफ्टी पे पोजीशन आपको बनानी चाहिए। आपके पास अगर कम मनी है तो ऊपर 27,300 का भी बना सकते हैं, उससे ऊपर बनाने की सलाह नहीं होगी मेरी। 27,100 का भाव चल रहा है 287, 27,200 का चल रहा है 222 और 27,300 का चल रहा है 171। इससे छोटा आप ऊपर ना भाव बनाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक्सपायरी है ये 10 तारीख की एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी होते भी आपको खराब नहीं लगेगा। बेहतर तो होगा आप 31 जनवरी के आप कॉल को लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 31 वाले लेते हैं तो 31 में 27,100 का आपको मिल रहा है 583 रुपये में, बहुत अच्छा मिल रहा है। आप नहीं आपको 27,100 का कॉल 583 रुपये का, यही एक सिंगल रिकमेंडेशन है, इसके अलावा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरे अंदाज से तो आपको 27,000 का कॉल 639 में मिल रहा है, यही लेना चाहिए, बाकी कुछ नहीं लेना चाहिए। नहीं इस महीने के लिए आप एक अच्छा चीज़ आपके लिए बताता हूँ, 27,000 के कॉल और पुट 31 तारीख का 31 जनवरी का आप दोनों लेंगे तो अच्छा है, ये दोनों तरफ मार्केट दिखाने वाला है ऊपर नीचे। तो 27,100 का जब आप 27,000 का अगर कॉल लेते हैं 639 का और पुट मिल रहा है आपको 266 का, तो अभी पुट कम में मिल रहा है तो अभी कॉल की ओर जाएगा तो कॉल में फायदा होगा, जब फिर मार्केट नीचे जाएगा तो पुट की ओर जाएगा तो पुट की ओर आपके पैसा मिलेगा। तो 27,000 के कॉल और पुट दोनों में एक एक लॉट लेंगे तो और भी बहुत अच्छा पोजीशन बनेगा। लेकिन याद रखें आपका मान लीजिए इधर 639 है और इधर 266 है, तो 900 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट हुआ, तो कॉल के साइड से तब तक नहीं निकलेंगे जब तक 900 रुपये आपको नहीं मिल जाता, मतलब पुट के वैल्यू को फ्री कर लेंगे पहले, तो अपने प्रिंसिपल को आउट कर लेंगे। जब प्रिंसिपल आपका निकल जाएगा फिर आप पुट फ्री हो गया, फिर नीचे की ओर जाता है तो आप फिर कॉल पे लेकर के बाइंग कर सकते हैं। वापस जब आपको नीचे 26,500-26,000 पे दिखाए तो वापस आप उससे 500 पॉइंट ऊपर का कॉल बाई कर लें। तो अभी 27,000 पे कॉल पुट दोनों को बाई करेंगे तो बहुत ही अच्छा पोजीशन आप बना करके रखेंगे अपने पोर्टफोलियो में। लेकिन ये सारे पेपर ट्रेडिंग के लिए मैंने बताया है, एजुकेशनल पर्पज से बताया है। पोजीशन मार्केट में बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप शेयर करें, फॉरवर्ड करें, दूसरे को बताएं। जिनके पास भी पोजीशन होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का उनको जरूर फायदा हो जाएगा। तो मंडे अप है और ट्यूसडे भी अप, फर्स्ट हाफ में देखने को जरूर मिलेगा आपको। तो मंडे ट्यूसडे अप ही रहेगा मार्केट। और वापस एक बार जाते जाते इंडिसेस को देख लें, बाहर इंडिसेस को देख लें तो देखिए अच्छा खासा पोजीशन बना रहा है 464 पॉइंट। कॉमोडिटी में ब्रेंट क्रूड देखेंगे तो 57-77। गोल्ड तो मैंने आपको पहले भी बताया था ये अप जाएगा, अभी थोड़ा सा नीचे है लेकिन ये अब 1340-1350 को तोड़ेगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरा पुराना वीडियो जाकर देख लीजिए, और मैं अभी भी कायम हूँ उस पर कि ये ऊपर जाएगा ये गोल्ड। फॉरेक्स देख लीजिए, फॉरेक्स में यूएस डॉलर देखेंगे
रुपया का मजबूत हो रहा है, 69.96 पे दिखा रहे हैं। ब्रेंट क्रूड आपने देख ही लिया, 57.86 पे, 57.58 रुपये वापस ब्रेंट ऑयल पहुंच चुका है। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर नीचे जाएगा, ऊपर जा रहा है, उसको जा रहा है नीचे, शॉर्ट मार दीजिए, वापस 55 पे आ जाएगा। इसका रेंज जो अभी बन चुका है ये 52 से लेकर के 58 से 59 50 से 60 ये रेंज में, ये ऊपर जा रहा है तो नीचे शॉर्ट मार दीजिए, 52 पर नीचे आ जाएगा, नीचे जा रहा है तो ऊपर ले लीजिए। 50 से 60 के रेंज में अभी ब्रेंट ऑयल ट्रेवल कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।